बता देना प्रदीप, ठीक चलो चलो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ऐसा माहौल दिया, ऐसा साफ शफाफ, यहां पर एक वक्त था कि यहां पर लोग इलेक्शन में हिस्सा लेना के यहां पर रहने से भी कतराते थे, और जब जूं ही नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अमनो अमान कायम हुआ है, मिलिटेंसी जो है उसको लगभग ख़त्म किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम है, और उसके बाद इतिहास में पहली बार यहां पर जो है आम आदमी को जो है अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो इस डोडा की धरती पर जहां पर एक टेरर का माहौल था, आज वो सब लोग टेरर से बाहर हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम पहले से ही जिम्मेवारी के साथ लोगों के काम करते थे जब नहीं भी थे, तो अब मैं समझता हूं कि आज और हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि लोगों ने जिस उम्मीद से जिस इसके साथ हमें सब ने आगे किया है, तो मैं समझता हूं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, और हम कोशिश करेंगे कि उन सब की जिम्मेवारी। सर, आपके तीन सब डिवीजन, दो सब डिवीजन, एक सब डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी, तो किस तरह से आपको तामीर और तरक्की डेवलपमेंट लेके चलेंगे इन तीनों इलाकों में, चारों इलाकों? सारे इलाके जो हमारे इसमें पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सबको हम पूरा प्रायोरिटी में रखेंगे, सबको उनका हक देंगे, सबको बराबरी का दर्जा देंगे, और सबको अपग्रेड करेंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की जो नोटिफिकेशन थी और उसमें जो तब्दील की गई थी, उसी का पहलू जो है कि एक दूसरी अब वाइस चेयरमैन की इलेक्शन की उस नॉमिनेशन को स्क्रूटनाइज किया गया, स्क्रूटनी करने के बाद नॉमिनेशन सही, अनकंटेस्टेड इलेक्शन है। इसके लिए मैं जूही मनाज जी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर का वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन का भी ऐसा ही प्रोसीजर है। तो इसमें जो प्रावधान है, इसमें एक घंटा जो है उन्होंने रखा हुआ है कि मिनिमम जो है वो आप एक घंटा वेट कर सकते हैं, लेकिन अभी कोरम पूरा है, आप डिसाइड करेंगे अगले एक घंटे में। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जो आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव के लिए आज दिन मुकर्रर किया गया था और 11 बजे का टाइम दिया गया था। सभी सबसे पहले कोरम कंप्लीट होने के बाद सभी मेंबर्स से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म्स की रिक्वेस्ट की गई। आपको बताना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में हमारे दो नॉमिनेशन फॉर्म्स आए, एक चेयरपर्सन के लिए एक वाइस चेयरपर्सन के लिए, दोनों अनकंटेस्टेड थे और सभी मेंबर्स की सहमति के बाद आज इनको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन घोषित किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज एक बहुत सुनहरा दिन है, जिसमें थर्ड टीयर जो डेमोक्रेसी आज तक जिसकी हम बात करते हैं उसको स्थापित करने के लिए जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जितने भी कदम लिए हैं उसका एक साक्षात्कार रूप आज हम सबके सामने है। मैं नवनिर्वाचित चेयरपर्सन साहब को और वाइस चेयरमैन मैम को और सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और डिस्ट्रिक्ट की ये कोशिश रहेगी सभी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसको आगे लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से आगे इसको लेकर जाया जा सके। हाँ, पहले जब हम 2001 में सरपंच बने तो सिर्फ सरपंच ही रह गए, हमारी ना काउंसिल बनी
ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना। आज जब ये दौर है इसमें हमारे BDC है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, सब मिलके प्रशासन के साथ काम करेंगे। खुशी है, बहुत खुशी है मेरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं मैं सभी को का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जहाँ तक हमें मेरे साथियों को पहुँचाया है।